जय श्री राम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सोच रहे होंगे अब इसे क्या हो गया। अब बात ही कुछ ऐसी है कि ये शब्द हर हिंदुस्तानी के मुख पर है। तो कुछ समय पहले एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं एक धोती क्लोथ 3D में क्रिएट करूं। उनको ये धोती अपने एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी जिसमें वो राम जी को दर्शाना चाहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना धोती बनाने के साथ मैं भी अपनी ओर से मेरे राम तैयार कर लूं। इस बहाने राम नाम मेरे कानों में भी पड़ जाएगा। तो कमेंट में बोलिए जय श्री राम। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है एक बेल्ट, पर ट्विस्ट ये है कि फिर से हम एक रैंडम बेल्ट क्रिएट करेंगे 3D में दिख रही शैडो को देख के, ताकि सभी ये बना पाए। तो अपने अकॉर्डिंग दिख रही कमर की शैडो से बड़ी एक बेल्ट बनाएं। और आपको ये छोटी लगे तो आप मेरी तरह पहले अपने अवतार की कमर नाप सकते हैं, ताकि ये उसके लिए परफेक्ट हो। तो कमर की मेजरमेंट है 32 इंचेस, तो हम इसे 30 इंची का कर लेते हैं ताकि ये स्लिप ना हो। आप सोच रहे होंगे धोती बनानी है पैंट नहीं। डोंट वरी, मुझे याद है, मैं बस इसे जितना हो सके उतना ट्रेडिशनल स्टाइल देना चाहती हूँ, इसलिए इसमें स्टिचिंग तो होगी पर केवल गारमेंट को होल्ड करने के लिए, रियलिटी में नहीं। अब अरेंजमेंट टूल की मदद से इसे सेट कर लेते हैं, जिसका शॉर्टकट है Shift+F। इसको अपनी डिजायर्ड हाइट पर सेट कर ले और साथ ही ऐसे सेट करें कि हमारी बेल्ट का सेंटर और नेवल मिल पाए। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करें और यहां से फ्रीज सिलेक्ट कर लें। अब वक्त है धोती बनाने का, जिसके लिए मैंने 32x45 इंच का एक रेक्टेंगल बनाया है। आप चाहे तो ये काम फिर से रैंडम रेक्टेंगल बनाकर भी कर सकते हैं। ओहो, हमारा रेक्टेंगल तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसे हम 5 इंच छोटा कर लेते हैं। अब इसको भी ड्रेप कर लेंगे, पर उससे पहले मैं बैक फैब्रिक की विजिबिलिटी अलग कलर से कर लूंगी, ताकि पता रहे कि फ्रंट कहाँ है और बैक कहाँ। परफेक्ट। अब आगे का काम शुरू करते हैं, स्टिचिंग और शुड आई से ड्रेपिंग। सेगमेंट स्विंग टूल सिलेक्ट करें, उसका शॉर्टकट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्मली स्टिचिंग में हम इसे नीचे वाले पोर्शन से स्टिच करते हैं, पर हमें थोड़ी उठी हुई लुक चाहिए, इसीलिए हम इसे ऊपर वाले पोर्शन से स्टिच करेंगे। ये लग गई हमारी धोती की नॉट। अब नॉट बंधी है तो उसके निशान भी तो आने बनते हैं, तो इंटरनल पॉलीगन की मदद से यहाँ थोड़ी सी लाइंस ऐड कर लेते हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, बिल्कुल हमारी हाइट की तरह। अब इन लाइंस में फोल्ड शो करने के लिए हम फोल्ड एंगल का यूज करेंगे। एक लाइन सिलेक्ट करें और उसका एंगल सेट करें। 0 से तो ये पुल हो गया है, तो हम इसे 360 कर लेते हैं। और इसी तरह सभी लाइंस को अल्टरनेटिव एंगल्स दे दीजिए, 0 और 360। मैंने पहली लाइन में फोल्ड स्ट्रेंथ भी चेंज किया था, पर वो ऐसा कुछ नहीं है। उसके जरिए आप केवल अपने फोल्ड एंगल को थोड़ा सा रिजिड बना सकते हैं। तो आप चाहे तो आप भी मेरी तरह सेम हर लाइन के लिए कर सकते हैं। गारमेंट क्लास हमेशा रेगुलर क्लास से थोड़ी एडवांस होती है, इसीलिए अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप पहले हमारी इन प्लेलिस्ट से बेसिक सीखें, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, फिर ही आगे गारमेंट की कोई भी क्लास लें। अब इन लाइंस की टिप का छोटा सा पोर्शन आपस में स्टिच कर लेते हैं, ताकि ये पास आ सके, जैसे कोई, जी हाँ, नॉट। लाइंस थोड़ी ज़्यादा ही नीचे हो गई हैं, तो इन्हें जरा सा शिफ्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ एडिट स्विंग टूल की मदद से अपनी स्टिचिंग भी स्लाइड कर लेंगे।
नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सिमुलेट करें। अब आया है ये परफेक्ट। सभी लाइंस को सिलेक्ट करें और कॉपी कर लें। पेस्ट करना है पर मिरर पेस्ट, तो अपना रेगुलर पेस्ट रिमूव कर लें और मेरी तरह राइट क्लिक करके मिरर पेस्ट सिलेक्ट करें। अब प्रीव्यू तो आपको दिख ही रहा है, तो देर किस बात की, ध्यान से देखकर इसे लेफ्ट क्लिक करते हुए प्लेस कर दें और अब करें सिमुलेट। मैं सोच रही थी कि मैं अपने माउस पे हो रही हर मूवमेंट को एक अलग कलर दूं, चाहे वो लेफ्ट क्लिक हो या राइट या फिर डबल। तो आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं फ्यूचर वीडियोस को इस तरीके से अपग्रेड कर सकूं। अब इस धोती पोर्शन की एक और कॉपी बना लें और राइट क्लिक करते हुए रीसेट टू डी अरेंजमेंट सिलेक्ट करें और यही करें। अगर गलती से 3D विंडो में दिए हुए ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो सब 2D जैसा हो जाएगा। अब जो हमें इंटरनल लाइंस क्रिएट की थी वो न्यू पैटर्न में से रिमूव कर लें। एक्चुअल धोती एक रनिंग फैब्रिक होता है जिसे हम यहाँ क्लो 3D में पार्ट्स में बना रहे हैं, तो हमारी ये साइड स्टिच होगी यहाँ। पर उससे पहले अपने काम को आसान करने के लिए हम पहले इसे पीछे से टक कर लेंगे और फिर ही यहाँ से सिलेंगे। तो मैं पैटर्न वैसे ही लेके जा रही हूँ जैसे फैब्रिक जुड़ा होता तो जाता। तो मेरी तरह अपने पैटर्न को एडजस्ट करें विदाउट एनी मिस्टेक। अब जो ऊपर का पोर्शन है वो अंदर टक होगा, इसीलिए मैं इसे साइड से लेंथ इंक्रीज करूँगी ताकि धोती की लंबाई छोटी ना रहे। अब 10 इंच इंक्रीज कर लेते हैं और साथ ही इसको स्ट्रेंथन भी कर लेते हैं। अब जो हमारी प्लीट्स बनेंगी वो इन दोनों लाइंस के बीच में होंगी, तो इन्हें सिलेक्ट करें और इंटरनल लाइंस डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मैं फोल्डिंग के अकॉर्डिंग 8 प्लीट बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। प्लीट्स कैसे बनाई जा सकती हैं उसके बारे में मैंने एक क्लास में बताया था। 2 तरीके हैं, मैनुअल और टूल की मदद से। फिलहाल मैं मैनुअल मेथड यूज कर रही हूँ। रिलेटेड क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में जाकर मिल जाएगी। तो अब एक सेट है 0 का और दूसरा है 360 का, इसी कारण इनका कलर भी सिंक्रोनाइज हो गया है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अब थोड़ी सी सिमुलेशन कर लेते हैं ताकि हम विजुलाइज कर सकें कि प्लीट्स कहाँ फोल्ड हो रही हैं, ताकि हम उन्हें स्टिच कर पाए। अब इसी के साथ छोटे से पोर्शन को पिन करना जरूरी है ताकि फर्दर सिमुलेशन के दौरान हमारा फैब्रिक गिरे ना। अब हमारी लाइंस डिवाइड नहीं हुई थी, इस वजह से स्टिचिंग के टाइम ये इस पूरे सेगमेंट को एक मान रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसे बताना होगा कि हमें यहाँ पॉइंट्स चाहिए। मैनुअली पॉइंट्स डालना लेंथी काम हो सकता है, इसीलिए सारी इंटरनल लाइंस को सिलेक्ट करें और फिर राइट क्लिक करें, एक्सटेंड ट्रिम्स एंड ऐड पॉइंट टू पैटर्न आउटलाइन। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। अब हो गई हमारी लाइंस डिवाइड। तो 3D विंडो में क्रॉस चेक करते हुए इन प्लीट्स को तरीके से सिल लीजिए। फिलहाल इतने में इन्हें सिलती हूँ, आप प्लीट्स की क्लास लेकर आइए। लो जी, मैंने स्टिचिंग के साथ साथ सिमुलेशन भी करके रख ली है। आज की क्लास देखा जाए तो सिंपल है, बस टेक्निक आनी चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। अब जो प्लीट्स रेडी हुई हैं उन्हें पीछे टक कर लेते हैं। तो सिमुलेशन ऑफ में अपने पैटर्न को अपने धोती के पैटर्न के पास लेकर जाइए और अब हमें अपने पहले फैब्रिक को सेंटर से उठाना होगा ताकि बाद में ये प्लीट्स वाला फैब्रिक इसके नीचे से निकल पाए। इसलिए हम पहले ही अपना काम कर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। मैंने इस पैटर्न को नीचे से इक्वली डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं जिस पे हम इलास्टिसिटी देंगे। तो इसे सिलेक्ट करें और इलास्टिसिटी ऑन कर लें।
70 बिल्कुल परफेक्ट है, पर फिलहाल के लिए हमें फैब्रिक को थोड़ा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। अब दोनों फैब्रिक को पुल करके साइड कर लेते हैं और पिन भी, ताकि लेग स्पेस मिल जाए। परफेक्ट। तो अब जो प्लीट्स सबसे ऊपर है यानी ये, उसे सेगमेंट स्विंग टूल की मदद से आप सिलेक्ट करें और हमने जो बेल्ट बनाई थी उसके सेंटर से स्टिच कर लें। फिलहाल आप थोड़ी रैंडम स्विंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये बाद में भी एडजस्ट हो जाती है 3D विंडो में क्रॉस चेक करके। अब इसकी पिंस रिमूव कर ले ताकि सिमुलेशन करने पे ये स्टिच हो सके। अगर मेरे वाले फैब्रिक की तरह आपका फैब्रिक भी ऊपर आ गया है तो उसे पुल कर ले। अब जो साइड नीचे है उसे पिन करें और फिर सिमुलेशन को ट्वीक करते हुए इस फैब्रिक को नीचे से निकाल लें। गिज़्मो टूल का यूज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसके जरिए ये काम काफी आसान हो सकता है। अब हमारा फैब्रिक रेडी है स्टिचिंग के लिए, तो इन दोनों स्टाइल को स्टिच कर लेते हैं। अब स्टिचिंग की है तो पिंस तो हटानी पड़ेंगी, तो देर किस बात की, हटाइए। और फिर अपने इस पोर्शन को स्ट्रेंथन करके फ्रीज कर लें ताकि स्टिचिंग इजीली हो सके। अब यही है छोटी छोटी ट्रिक्स जो कोई भी आपको ऐसे नहीं पता पाएगा, इसीलिए पूरी वीडियो देखें, क्या पता कहां कौन सी ट्रिक मिल जाए। फैब्रिक आपस में स्टिच हो चुके हैं तो हम इन्हें अनफ्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गई एक साइड रेडी, पर इसकी लेंथ काफी छोटी है तो हम इसकी लेंथ साइड से इंक्रीज कर लेते हैं। 12 इंच काफी होगा शायद, पर उससे पहले प्लीट्स वाले एरिया को पिन कर लेते हैं ताकि वो खराब ना हो। टेक्निक वही सेम रहेगी, तो आप भी जल्दी से रेडी कर लें। इस दौरान सिमुलेशन के बाद कोई फैब्रिक स्टक हो गया हो तो आप मैश टूल का यूज भी कर सकते हैं। अब जो प्लीट्स फ्रंट में दिखाई दे रही हैं वो काफी इररिलेवेंट हैं, तो सभी पॉइंट्स को एक एक करके सिलेक्ट करते हैं ताकि हम उन्हें पीछे शिफ्ट कर सकें। सिलेक्ट करते टाइम शिफ्ट प्रेस करना मत भूलिएगा, आखिर एक पॉइंट थोड़ी ना सिलेक्ट करना है। अब जरा सिमुलेशन करके देखते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। अब इन्हें अनस्ट्रेंथन कर लेते हैं ताकि ये अपना नेचुरल फॉल ले पाए। इसी के साथ इन प्लीट्स की एक और कॉपी बना लेते हैं ताकि हम दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट ना करनी पड़े। अब क्या है ना, रियल लाइफ में तो कॉपी पेस्ट होता नहीं और ना ही अंडू, नहीं तो हम जैसे लोग इनका काफी यूज करते। अब हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे क्योंकि इस बार प्लीट हमें लंबी चाहिए ना कि आड़ी, पर हमारा फैब्रिक तो काफी लंबा है, कोई नहीं उसे छोटा भी किए देते हैं। तो ये है 40 और ये है 54, तो हमें 14 इंचेस कम करना है। हो गया साइज रेडी, तो सिमुलेट करके ये कर्व रिमूव कर लेते हैं ताकि हम इसे अपनी मन मर्जी का कर्व दे पाए। अब इन दोनों साइड्स को आपस में स्टिच कर लेते हैं और अपनी इररिलेवेंट पिंस रिमूव कर लेते हैं, पर इस वाली पिन को रिमूव करने से पहले इसे अपनी बेल्ट के साथ स्टिच करना होगा। तो इस बेल्ट को दो पोर्शन के साथ स्टिच करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से और थोड़ा सा इधर से। 3D विंडो में क्रॉस चेक करते रहें ताकि स्टिचिंग गड़बड़ ना हो। मैंने फ्री स्विंग टूल का यूज किया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिलेवेंट स्विंग टूल ले सकते हैं। अब हम इन पिंस को भी रिमूव कर सकते हैं। ओ वेट, कुछ पिंस अभी रह गई हैं। सिमुलेशन रोक कर पहले इन पिंस को हटा लें, नहीं तो हमारी बनाई हुई प्लीट्स खराब हो जाएंगी।
इसे सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दे, पर अगर आपको लग रहा है कि ये खराब हो सकती है या हो रही है तो आप फिर से फ्रीज करके इसको इजीली सेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था। अब ये प्लीट थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसकी एक और कॉपी बना लेती हूँ। ये फैब्रिक तो काफी ज्यादा हो जाएगा, कोई नहीं, हमारी प्लीट्स वैसे भी स्टिचिंग के लिए मैच नहीं कर रही हैं, तो हम प्लीट सेट करने के हिसाब से ही इसको छोटा कर लेते हैं। इतना शायद काफी रहेगा और हमारी प्लीट्स भी आराम से स्टिच हो जाएंगी। तो अब इन्हें भी आपस में स्टिच कर लेते हैं। और ऊपर से बेल्ट से अटैच करना ना भूलें, जिस मैनर में जब किया था उसी तरीके से हम फिर से करेंगे। ओहो, लगता है हमारी स्विंग ट्विस्ट हो गई है। कोई नहीं, एडिट स्विंग टूल से इसे सिलेक्ट करें और रिवर्स करने के लिए कंट्रोल प्लस बी कर लें। अब सब नॉर्मल कर लेते हैं। जो धोती ड्रेपिंग मैं जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग बस एक चीज और रह गई है। धोती के इस पोर्शन पर प्लीट्स नीचे तक होनी चाहिए, तो इन्हें शिफ्ट कर लेते हैं और फिर से प्लीट्स बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी टिप को पिन करें और ऊपर पुल कर लें। नेक्स्ट प्लीट यही डालनी है। अब इन इंटरनल लाइंस का फॉल क्रिएट करें और इस साइड्स की लाइन को इक्वली डिवाइड कर लें। मैं इस लाइन को 9 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ और फिर इन पे सेम ग्रेडियंट इफेक्ट से इंटरनल लाइंस भी बना लूंगी। अब इतने पोर्शन को स्ट्रेंथन करके पिन कर लें ताकि फोल्ड एंगल दिख सके। अब हमें फिर से वही प्लीट्स बनानी है, मगर ध्यान से, क्योंकि हमें दोनों साइड मैनेज करके चलना है। हम इस बार एक एक प्लीट स्टिच करेंगे, जो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो मैं इस पार्ट को कर रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड। आप चाहे तो स्लो करके देख सकते हैं। अब इसे भी कर लेते हैं फाइनल बेल्ट से टक। कुछ इंटरनल लाइंस धोती के फॉल में दिक्कत क्रिएट कर रही हैं, तो उन्हें एडजस्ट कर लेते हैं। अब सब रेडी है तो फिनिशिंग करते हैं। बैक साइड कौन सी है और फ्रंट कौन सी, वो सच छुपा लेते हैं। तो हमारी धोती हो गई है 152.5 इंच की, मतलब 3.8 मीटर। अब फैब्रिक का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि लग सके कि हम राम जी बना रहे हैं, या कहूँ बनाने वाले हैं। अब एक और फैब्रिक बना लेते हैं जो हमारे इस अवतार के ऊपर के तन को ढकेगा। धोती का टारगेट पूरा हुआ तो मैं जल्दी से आप सभी को फाइनल लुक दिखा देती हूँ। मैंने राम जी के गले, कान और हाथ के लिए रुद्राक्ष की लड़ी बनाई है, जिसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप स्पेशल क्लास ले सकते हैं। मैंने साथ ही टीका और आई कलर भी फोटोशॉप में रेडी किए हैं, जो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। तो ये हो गई हमारी फाइनल लुक तैयार। मेरे राम, अपने राम, हमारे राम, आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, ताकि आपको टाइमली लेटेस्ट अपडेट मिल सके। टिल देन, कीप क्रिएटिंग। जय श्री राम।